जी सर। वीडियो सर फोन किया है ना? नहीं फोन तो फिर नहीं किया। आपको जहाँ तक रहा वहाँ पर लेके आपस पीएमजी के बारे में 15-46 गेहूँ का जी सर, गेहूँ 15-46 शेखपुरा के डीएम सावन कुमार सदर प्रखंड की काड़े गांव का निरीक्षण किया, जहां डीएम द्वारा राज्य सरकार द्वारा चल रहे लोक कल्याणकारी और विकास योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान डीएम गांव की गली के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास साथ निश्चित के नल जल आंगनबाड़ी पीडीएस दुकान और स्कूल का निरीक्षण किया, जहाँ पीडीएस दुकान और आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ अनियमितता पाई गई, जिस पर डीएम ने कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि इस गांव में 2 पीडीएस दुकान है, लेकिन एक पीडीएस दुकान काफी दिनों से सस्पेंड चल रहा है, जिसके कारण दूसरे पीडीएस दुकान पर काफी दबाव है और दबाव के कारण कुछ अनियमितता भी सामने आई है। इस पर एसडीओ को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार में गड़बड़ी पाई गई है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोषाहार में जो गर्भवती महिलाओं को लाभ देना है उसमें कटौती की शिकायत सामने आई है। ऐसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जांच कर आंगनवाड़ी में वितरण की जाने वाली पोषाहार में कटौती पर उसी कटौती के अनाज को लाभुकों के बीच स्वयं उपस्थित होकर वितरण करने का निर्देश दिया है। बीएनपी न्यूज के लिए शेखपुरा से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्य सचिव सर के आदेश के आलोक में आज हम लोग जो ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर कल्याणकारी योजना संचालित है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन है, राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, इसके अलावा हर घर नल का जल और हर घर नली गली है, उन लोग को हमने देखा है। नली गली में भी एक समस्या दिखी है, जिसके मैंने वीडियो का आदेश दिया है कि उसको 100 फीट रोड को दोबारा ढलवावे। इसी तरह मनरेगा कार्यक्रम अंतर्गत लोगों का मजदूरी राशि नहीं आई है, तो मैं कार्यालय में जाकर चेक करता हूँ क्यों नहीं आई है। पेंशन की संतोषजनक स्थिति है और उसमें और हम लोग चाहेंगे कि और प्रमाणीकरण तेजी से करें। सर पीडीएस का भी जांच किए हैं, तो उसमें 1,00,000 जो डीलर हैं उनके साथ 3 टैग है, जो कि गलत है और उतने बड़े पैमाने पर अनाज है। तो हम आज एसडीओ को बुलाए हुए हैं, कोशिश करके जो दूसरा सस्पेंड है काफ़ी दिनों से क्यों सस्पेंड है, अगर उसको सामान्य दंड देते होगा तो हम लोग चालू करेंगे और राशन कार्ड जो मिलता है लाभों को वो कोशिश करेंगे काफ़ी स्मूथ मिले और उसका विकेंद्रित तरीके से मिले, सेंट्रलाइज मिले। आंगनबाड़ी केंद्रों का आंगनबाड़ी केंद्र का जाँच की, उसमें गलत पाई गई, उसमें 3.5 kg गर्भवती माता को मिलना है चावल और 1.5 kg दाल मिलना है, तो उनके द्वारा मात्र 2 kg दिया जा रहा था और 1 kg दाल दिया जा रहा था, उसका भी जाकर पोषाहार राशि हम लोग काटेंगे ऑफिस में जाकर। क्या कार्रवाई की जाएगी उसका? जितना पोषाहार राशि मिलता है सरकार का उसका 50% कटौती।